हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ाने वाले हैं मराठी सब्जेक्ट। मराठी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 मतलब मींस लेसन नंबर 3 आज का अभ्यास। पिछले बार हमने देखा था अ का अभ्यास, तब आज पढ़ाने वाले हैं आ का अभ्यास। वाचा व लिया, रीड एंड राइट। अ प्लस मात्रा आ, आ का श। लुक एट द पिक्चर एंड कौन सा पिक्चर ये? आकाश। आकाश मतलब ढग। म प्लस मात्रा इक्वल टू मा, मा मतलब मा में किसका उच्चार होता है? मा हा शब्द, हा वर्ड्स, उसमें आ का उच्चार होता है, इसलिए वो क्या है? माकड़। बोलो मा, तो उसमें कौन सा आता है? आ आता है, तो उसमें क्या है? माकड़। मा मीन्स माकड़। कान, कान, का, का में कौन किसका उच्चार होता है? आ का उच्चार होता है, यानी उसका साउंड कौन सा होता है? आ का साउंड आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? का न। नाक, नाक में भी किसका उच्चार होता है? नाक में आ का उच्चार होता है, यानी कि साउंड कौन सा आता है? ना आ का साउंड आता है, इसलिए नाक यानी नाक। दांत, दांत का किसका उच्चार होता है? यानी कि आ का उच्चार होता है, इसलिए दांत। चाक, चाक में किसका उच्चार होता है? चाक, उसमें भी किसका उच्चार होता है? आ का उच्चार होता है। गाजर, गा में किसका गा, तो उसमें कौन सा उच्चार होता है? आ का उच्चार होता है, यानी कि गाजर। कावड़ा मीन्स कावड़ा, कावड़ा। चरखा, उसमें भी किसका उच्चार होते है? चरखा में आ का उच्चार होता है। चमचा किसका पिक्चर है? चमचा, चमचे में च को एक मात्रा सा, यानी कि आ का उच्चार होता है। बाल, बाल में भी बा का उच्चार क्या होता है? आ होता है, इसलिए क्या हो? बाल। पाय, पाय में किसका उच्चार होता है? प को एक मात्रा, एक काना, यानी कि पा, पा में आ का उच्चार होता है, तो पाय। मामा, म को एक मात्रा, तो उसका क्या होता है? माँ, लेकिन उसमें उच्चार कौन सा होता है? आ का होता है, साउंड आ का आता है, इसलिए मामा। काका, काका में कौन इसका उच्चार को एक मात्रा है, इसलिए उसको आ का उच्चार होता है, काका। हाथ, हा में कौन सा उच्चार होता है? आ का उच्चार होता है, तो हाथ। भारत, भ में एक काना है, इसलिए कौन सा है? आ, इसलिए वो क्या है? भारत। पापड़, पा को एक मात्रा, उसमें से कौन सा उच्चार होता है? पापड़ का उच्चार होता है, प को एक का ना, पापड़ यानी तालाब। त में से ल को एक मात्रा, इसलिए उसको कौन सा उच्चार होता है? तालाब होता है, यानी कि ये क्या है? अ का, आ का अभ्यास, यानी कि आ से बना हुआ जो वर्ड्स है उसका अभ्यास होता है। अभी मैं रीडिंग करती हूँ, आपको क्या करना है? इसके पीछे बोलने का है, मेरे मतलब मेरे पीछे आपको बोलने का है। आकाश, माकड़, कान, नाक, दांत, चाक, गाजर, कावळा, चरखा, चमचा, बाळ, पाय, मामा,
काका, हात, भारत, पापड़, तलाव। यानी ये किससे बने हुए है? आ से बने हुए वर्ड से, यानी कि आ से बने हुए वर्ड है। नेक्स्ट लेसन नंबर 4, ई का अभ्यास। अ आ और उसमें कौन सा है? ई का अभ्यास है। वाचा व लिया, यानी कि इमारत, उसमें से कौन सा वो है? ई का, यानी इमारत। विमान, इसमें से एक का ना एक विलांती, एक का ना एक विलांती है, इसलिए कौन सा है? विमान, यानी के विमान। दीवा, दी में को इसका उच्चार होता है, मतलब दी मधे अपन बोलता ना ई का उच्चार ये तो मनुन दीवा। वीला, चिमटा, जिराफ, खीला, गिदाड़, हरिण, चिवड़ा। यानी का ई का उच्चार, म्हणजे ईचा उच्चार कशामध्ये होतो? तो विलांती, पहिली विलांती ही उच्चार ईचा होतो। दिवस, मिठाई, पिसारा, किरण, पिवळा, विमल, हिरवा, यानी कविता। यानी कि ये सब क्या है? ईचा अभ्यास वाले शब्द है, म्हणजे यामध्ये ईचा उच्चार केला जातो। ईचा उच्चार केव्हा होतो? पहिली विलांती जेव्हा असेल। देखो, दी को पहिली विलांती, व को पहिली विलांती, च को पहिली विलांती, जी को पहिली विलांती, खला पहिली विलांती, तभी उसका क्या उच्चार? ई का उच्चार होता है। अभी दूसरी ई, ई का उच्चार लेसन नंबर 5। या ई है, लेकिन ये कौन सा ई है? तो ईडलिंबू का ई, यानी दूसरा ई है। दूसरा ई का उच्चार कब होता है? दूसरा इलांटी पे दूसरा उच्चार होता है, म्हणजे दूसरी विलांटी जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा ईचा उच्चार हा होत असतो। आता यापासून कोणकोणते वर्ड्स तयार झाले, कोणकोणते शब्द तयार झाले ते आपण आज पाहणार आहोत। तो वाचा वो लिया, रीड एंड राइट, यानी मतलब मेरे पीछे से आपको ये बोलने का है। ई से ईडलिंबू, ईडलिंबू यानी दूसरा उच्चार। बीळ, यानी कि ईचा हा उच्चार हो तो इसलिए कौन सा है ये? बीळ। झारी, र की दूसरी विलांती में ई का उच्चार होता है, इसलिए झारी। छड़ी, उसमें डी यानी ई का होता है। पाटी मधे पाटी, यानी पाटी या वर्ड्स मधे टी। भाजी, भाजी मधे भाजी जी शब्द में। आई, खारी करी। काकड़ी यानी डी। आगगाड़ी, आगगाड़ी डी। नदी, यानी कि दूसरी विलांती दी को, यानी कि उसमें ई का उच्चार होता है, लेकिन कौन सा ई का उच्चार होता है? दूसरा ई का उच्चार ईडलिंबू का होता है। पानी, पानी में भी ई का उच्चार है, यानी पानी। चटई, उसमें तो ऑलरेडी डी है ई, यानी चटई। चटई, वड़ील, वड़ील यानी कि डी में उसका ई का उच्चार होता है। तील यानी ती में। साड़ी यानी साड़ी, डी में उसका ई का उच्चार होता है। मनी, मनी नी में होता है ई का। देखो, नी में किया तो ई उसमें ऑलरेडी ऑलरेडी आता हे। बाटली, ली, ली में क्या होता है? उसका ई का उच्चार होता है। तो हमने आज कौन कौन सा पढ़ा है? आ, ई, आ, ई एंड ई।
एंड लेसन नंबर 3, 4, 5 ऐसा किया है। लेकिन ये सब वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपको क्या करने का है, रीडिंग करने का है, रीडिंग करके करने का है। राइट डाउन इन योर नोटबुक 1-1 times 1 वर्ड्स, ओके, एंड सेंड मी माय नंबर, ओके, थैंक यू।